हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आप सभी के लिए एक न्यू बैच चालू किया है जिसमें हम आपको दोबारा से साइंस और मैथ्स को पढ़ा रहे हैं। वैसे तो पूरा सिलेबस हमने पहले ही पढ़ा रखा है, अगर आप देखोगे सर्च करके यूट्यूब पे तो सारे के सारे चैप्टर्स ऑफ ऑल द स्टैंडर्ड। मैं सिर्फ सेवन्थ की बात नहीं करूंगा, भले ही आप सेवन्थ में, मुझे पता है, लेकिन फिर भी आपके छोटे भाई होंगे जो फिफ्थ सिक्स में होंगे और बड़े भाई होंगे जो एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्थ में होंगे, उनको बता जरूर देना कि हमारे इस चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स के ऊपर महाराष्ट्र बोर्ड का सारा चैप्टर सारे स्टैंडर्ड्स के लिए हमने अपलोड करके रखा है ताकि हर बच्चा यहाँ पे आके फ्री में क्वालिटी एजुकेशन पढ़ सके। बस एक ही सपना देखा था पिछले चार साल से, जब लॉकडाउन हुआ था, मेरा जॉब छूट गया था, तब मैंने सोचा कि यार बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए, तो यार वो डेडिकेशन था मेरे अंदर, तो मैंने वो चीज़ किया और पिछले चार साल से लगातार आपके लिए हम फ्री में क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज़ इस जर्नी में, इस रिवॉल्यूशन लाने की जर्नी में हमें जरूर से सपोर्ट करना और न्यू बैच के भी सारे वीडियोज़ को अपने दोस्तों तक और उनके भी दोस्तों तक जरूर से शेयर कर, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं सेवन्थ स्टैंडर्ड साइंस का एक और न्यू चैप्टर जिसका नाम है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जी हाँ दोस्तों, एक नया चैप्टर शुरुआत होने जा रही है, चैप्टर नंबर एट नाम है। अब ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है इसकी बातें करेंगे, लेकिन देखो इसके पहले के सारे चैप्टर्स न्यू बैच वाले भी हमने अपलोड करके रखे, तो वो वीडियोस भी जरूर से देखना। और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो न्यू वीडियोस हम बना रहे हैं डिजिटल बोर्ड पे नया क्वालिटी नया सेटअप के साथ, तो आपको वो चीज़ अच्छा लग रहा होगा, तो जरूर से वैल्यूएबल फीडबैक जो है कमेंट के माध्यम से हमें जरूर से देना, ठीक है दोस्तों? और भी क्या चीज़ की डिमांड है आप जरूर से बता सकते हो, हम पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। देखो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी ये वर्ड तो आप बहुत पहले से ही सुनते आ रहे होंगे, ठीक है ना? अगर हम बात करें ये जो वर्ड है इलेक्ट्रिसिटी, ये सभी लोग को पता होगा, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है बिजली। लेकिन क्या हम एक चीज समझते हैं कि बिजली जो होती है वो सिर्फ नॉर्मली जो हम हमारे रूम में, यानी कि किसी देखा होगा आपने मूवीज में देखा होगा कैसे बिजली फ्लो होती है, तो वो सिर्फ बिजली नहीं होती। बिजली देखा जाए तो बहुत सारे टाइप्स की हो सकती है, तो उसी में एक टाइप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और स्टैटिक का मतलब होता है रुकावट या फिर रुका हुआ, ठहराव हुआ। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन यहां पे क्या हो जाएगा कि ये एक इम्बैलेंस है, किसका? पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस का। मतलब हम अगर बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। अगर हमारे घर में अगर आप देखोगे तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, चाहे वो पंखा हो, ट्यूबलाइट हो, कंप्यूटर हो, पीछे डिजिटल बोर्ड दिख रहा है आपका, मिक्सर ग्राइंडर हो, कोई भी चीज़ हो, वो सब इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। आपके घर में भी इलेक्ट्रिसिटी होगी। जैसे आप बटन चालू करते हो तो होता क्या है कि वो वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने की वजह से वहाँ पर बिजली का संचार होता है, जिसके वजह से वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम करता है और वो परफॉर्म करता है, पंखा घूमता है, ठीक है? लेकिन ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है इसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, बल्कि इसमें होते हैं चार्जेस। अब वो चार्जेस कौन से हो सकते हैं? या तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या तो निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है? और अगर आपने इसके पहले के कंसेप्ट को पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं फिर से बताना चाहता हूं कि दुनिया में हर एक चीज किससे बना है दोस्तों? एटम से बना हुआ है। हमारा शरीर सेल से बना हुआ है। कोई भी दुनिया में वस्तु, इवन दिस मार्कर, इसका जो सबसे छोटा हिस्सा करूं हमें, जो आगे और छोटा ना हो पाए, उस छोटे हिस्से को हम एटम बोलते हैं। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल इनडिस्ट्रक्टिबल स्ट्रक्चर, हमने ये चीज पढ़ा हुआ है, ठीक है? अब ये जो एटम है, एटम के अंदर चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। तो एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है जिसको प्रोटॉन कहा जाता है, एटम के अंदर निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है, और एक एटम जो होता है उसके अंदर न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे जैसे हम स्टैंडर्ड वाइज आगे बढ़ेंगे बच्चे, अभी तो आप सिर्फ सेवन स्टैंडर्ड में, तो अभी आपको बहुत बेसिक चीजें पढ़नी है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे आपको रियलाइज होगा कि कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको समझनी बाकी है, कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो साइंस में है। और इसीलिए शायद साइंटिस्ट लोग जो होते हैं, इनका जो इमेजिनेशन होता है वो हम जैसे और आप जैसे नॉर्मल आदमी से कई गुना ज्यादा ऊपर होता है, क्योंकि वो लोग इस तरीके से सोचते हैं कि हमारी सोच जहां पे खत्म होती है वहां पे उनकी सोच शुरू होती है। तो ये चीज ध्यान में रखना। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है क्या? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट इम्बैलेंस ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस जो कि पर्टिकुलर एटम के अंदर या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट रहता है, जो कि कहां आता है? विच कैन बिल्ड ऑन इट्स सरफेस, उसके सरफेस पे आ जाता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मेनली अंदर नहीं घूमता। जैसे हम लोग बोलेंगे कि एक वायर है, वायर दिख रहा है यहाँ पे कोई भी, जैसे ये वायर देख लो, ये वायर है, तो ये वायर के अंदर भी एक वायर होगा, इसके ऊपर तो ये कोटिंग है ना, ये प्लास्टिक की कोटिंग है ताकि आपको करंट ना लगे, लेकिन इसके अंदर भी एक वायर है, कॉपर का या फिर एल्यूमिनियम का बना होगा, और उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही होगी, ठीक है? तो अंदर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, लेकिन ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है ये कहाँ होती है? उसके सरफेस पे ही होती है, और तब तक होती है जब तक उसका चार्ज खत्म ना हो जाए, यानी डिस्चार्ज ना हो जाए, ठीक है? तो इन शॉर्ट बोलने का मतलब यह है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट अ इंबैलेंस ऑफ ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, एंड वो
उस ऑब्जेक्ट के सरफेस पे रहता है, तब तक रहता है जब तक कि वो चार्ज खत्म ना हो जाए, या फिर इन शॉर्ट बोलने के लिए डिस्चार्ज ना हो जाए, ठीक है। ओके, अब एग्जांपल समझते हैं थोड़ा सा कि इट इज ऑफन कॉज्ड बाय रबिंग टू ऑब्जेक्ट्स। अक्सर आपने देखा होगा कोई दो ऑब्जेक्ट को आपस में जब आप रगड़ते हो तो एक चार्ज डेवलप होता है, एंड यही चार्ज को बोला जाता है स्टैटिक चार्ज, और इन शॉर्ट इसको बोला जाता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। आपने बचपन में किया होगा, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है। हम बचपन में क्या करते थे कि कोई स्केल होता था, देखो अभी मैं स्केल रखा था, पता नहीं किधर गया, स्केल होता था, जैसे ये मेरे पास प्रोट्रैक्टर है, मैं इससे काम चला लेता हूँ, तो एक लंबा वाला स्केल होता है ऐसा, और इसको ऐसे बाल में ऐसा रगड़ते 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 रगड़ते, और पीसेस ऑफ पेपर ले लो, छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर। अभी अपने घर पे करना, मेरे साथ में करो, मेरे पास है नहीं इक्विपमेंट्स, लेकिन मैं बता रहा हूँ, वैसा वैसा करो। आपको स्केल लेना है प्लास्टिक वाला, ऐसा आपका स्केल रहता है जो ज्योमेट्री बॉक्स में, उसको अपने बाल के पीछे जोर जोर से रगड़ना है, रगड़ना है, कम से कम 5 मिनट तक रगड़ो, आराम से रगड़ना, सर मत छील लेना अपना, नहीं तो पता चला डैमेज कर दोगे। तो रगड़ो रगड़ो रगड़ो, और उसके बाद अपने बाल के आसपास भी लेके आओगे ना, ये जो बाल होते हैं इसके, हेयर फॉलिकल्स बोल लो, या फिर आपका जो हाथ का बाल होता है उसके पास भी लेके आओगे, तो आपके बाल इरेक्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो होता है बिकॉज ऑफ द रबिंग ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स, वहां पे एक चार्ज डेवलप होता है, एंड दैट चार्ज माइट बी पॉजिटिव माइट बी नेगेटिव, वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो चार्ज जो होता है वो एक टेम्पररी चार्ज होता है जो उस ऑब्जेक्ट के सर्फेस के ऊपर आया है, और वही जो चार्ज होता है उसको बोला जाता है स्टैटिक चार्ज, और वी कैन से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो अक्सर देखा जाता है कि हम कोई भी दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के अगेंस्ट में रब करते हैं तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता है और एक इम्बैलेंस क्रिएट करता है पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज के बीच, ठीक है। अब ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं ये डिफरेंट होता है, जैसे मैंने बोला कि जो करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो हमारे बिजली जिसको बोलते हैं हम लोग, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि वहां पे क्या होता है, वहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज होता है जो कंडक्टर के थ्रू फ्लो होता है। कंडक्टर मतलब क्या, जिसमें से बिजली पास हो सकती है, जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, इसी में से फ्लो हो सकता है। लेकिन ये जो भाई साहब है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, वो किसी प्लास्टिक के टुकड़े में भी आ सकता है। आपने वो एक देखा होगा अक्सर, एक रील बहुत ज्यादा फेमस है, रील आपको पता होगा इंस्टाग्राम पे आजकल रील बहुत चलता है, तो मैं भी कभी कभी देख रहा था, तो एक बहुत ज्यादा शॉर्ट्स या फिर वो रील था वो वायरल हुआ था कि वो एक चद्दर लेता है एक इंसान, और उसके सर के ऊपर से ऐसा खींचता है, और वो इंसान गैस चालू करके ऐसा हाथ रखता है, तो उसमें से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होकर वो गैस को ऑन कर देता है, यानी लाइटर का काम करता है। डोंट ट्राई दिस एट होम, ये जस्ट एक रील था जो मैंने कहीं देखा था, तो मैंने आपको एक जस्ट एक इमेजिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको बताया। तो हुआ क्या कि जैसे आपने वो चद्दर लेके जोर से झटका तो वो रब हुआ, हमारे बॉडी के ऊपर सरफेस से आके रब हुआ, एंड जैसे ही वो रब हुआ अगेंस्ट ईच अदर तो एक स्टैटिक चार्ज वहां पे डेवलप हुआ, एंड वो चार्ज आपके बॉडी के थ्रू फ्लो होके आपने वो गैस का जो बर्नर होता है वहां पे हाथ रखा तो इलेक्ट्रिसिटी वहां पे गई और वहां पे आग लग गया, यानी कि गैस जल गया विदाउट एनी लाइटर। तो ये बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, किस किसने वो शॉर्ट्स या फिर जो रील्स था वो देखा था जरूर से मुझे कॉमेंट करके बताना, मैं देखूंगा कितने लोग देखते हैं कि नहीं देखते। अगर आप इंस्टाग्राम पे हो, मुझे फॉलो करना चाहते हो तो जरूर से कर लेना, इंस्टाग्राम का आईडी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। ओके, अब मैंने क्या बोला, एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं कि रब वन एंड ऑफ ए ग्लास रॉड अगेंस्ट ए सिल्क क्लॉथ। आपको क्या करना है, ग्लास का रॉड ले लेना है, अगर आपके घर में है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, बस सुन के ले लो। एक ग्लास का कांच का रॉड ले लिया, उसको क्या करना है, रब करना है सिल्क क्लॉथ। सिल्क का कपड़ा आता है जैसे साड़िया वगैरह होती, मम्मी की होती है जो सिल्क की होती है, तो सिल्क का कपड़ा लेना है, सिल्क का कपड़े के ऊपर वो रॉड है, समझ लो ये हमारा एक ग्लास का कांच का रॉड है, उसको ऐसा घसना है घसना है घसना है घसना है घसना है, थोड़ी देर के लिए जब घसोगे रब करोगे तो इसके अंदर एक चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अगेन मैं क्या करूंगा, उस ग्लास रॉड को एक धागे की हेल्प से मैं लटका दूंगा। एक धागे की हेल्प से क्या किया मैंने, लटका दिया, मान लो कि ये मेरा रॉड था, उसको मैंने क्या किया, एक धागे की हेल्प से बांध के लटका दिया। अब एक और ग्लास रॉड लूंगा, सेम एक और ग्लास रॉड लूंगा, सेम वापस से सिल्क का कपड़ा लूंगा और उसको रब करूंगा, और रब करने के बाद भी उस पर चार्ज आ जाएगा और मैं इसके करीब लेके जाऊंगा। तो होगा क्या कि जैसे ही वो ग्लास रॉड जो आपने सिल्क कपड़े के ऊपर जब घसा था, तो वो चार्ज और जो पहले ग्लास रॉड जो आपने सिल्क के कपड़े के ऊपर घस के टांगा हुआ है, रस्सी से धागे से टांगा हुआ है, उसके अंदर और उसके अंदर क्या हो जाएगा, सेम चार्ज हो जाएगा, क्योंकि आपने सेम ग्लास रॉड को सेम कपड़े के ऊपर घसा है, तो सेम चार्ज आ जाएगा। लेट सपोज पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। जब मैं इसके करीब लाऊंगा तो वो दूर भागेगा, यानी दूर फेंकेगा, इट पुशेस ईच अदर अवे। तो आपने मैग्नेट देखा है, चुंबक मैग्नेट देखा है, तो कभी भी नॉर्थ पोल जो होता है, आपको पता है ना, कोई भी मैग्नेट में अगर हम बात करें मैग्नेट की, तो एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, तो कभी भी नॉर्थ पोल वाला जब नॉर्थ पोल के नजदीक आता है
या फिर साउथ पोल वाला साउथ पोल के, यानी सेम सेम वाला साथ में आता है तो एक दूसरे को दूर धकेलता है। क्यों? उसके बीच में होता है रिपल्सन। रिपल्शन का मतलब होता है अपोजिट फेंकना। उसी प्रकार जब कोई भी ग्लास रॉड जो आपने सिल्क क्लॉथ के ऊपर घसा, उसके ऊपर जो चार्ज था, और सेम ग्लास रॉड आप लेके सिल्क क्लॉथ के ऊपर घस के उसके करीब लाओगे तो वो दूर भागेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि यहां पे एक स्टैटिक चार्ज डेवलप हो रहा है, और स्टैटिक चार्ज डेवलप होने के बाद भी अगर चार्ज सेम है तो वो एक दूसरे को दूर धकेलता है, एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द रिपल्शन। डेफिनेशन थोड़ी देर में बताऊंगा, तो उसको रिपल्शन कहा जाता है। वही सेम हम क्या करेंगे, दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब क्या करते हैं, सेम मैंने ग्लास रॉड ले लिया, ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के ऊपर घसा और उसको रस्सी से टांग दिया। अब इस बार एक और रॉड ले रहा हूं, लेकिन वो दूसरा ले रहा हूं, वो रॉड में ले रहा हूं कौन सा, प्लास्टिक का रॉड ले रहा हूं। प्लास्टिक का, जैसे ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक का रॉड लिया और उसको वुलन क्लॉथ के ऊपर, यानी वूल का कपड़ा जो होता है उसके ऊपर घसूंगा घसूंगा और फिर इसके करीब लेके जाऊंगा, तो होगा क्या कि ये उससे चिपक जाएगा, करीब आने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि जो पहले घसा था ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ, उसके अंदर हो सकता है पॉजिटिव चार्ज आया हो, और बाद में जो मैंने वुलन क्लॉथ के ऊपर जो प्लास्टिक रॉड घसा था, हो सकता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया हो, एंड दोनों को जब करीब लाएंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव विल अट्रैक्ट टुगेदर, एंड यहां पे होगा अट्रैक्शन। तो सेम जहां पे चार्ज होंगे वहां पे रिपल्शन होता है, जहां पे अपोजिट चार्ज होते हैं वहां पे अट्रैक्शन होता है, और वही हमारा डेफिनेशन बनाता है कौन सा, रिपल्शन का और अट्रैक्शन का। तो रिपल्शन का डेफिनेशन क्या है कि जब दो रॉड, टू रॉड्स हैविंग सिमिलर चार्जेस, दो रॉड के पास अगर सेम चार्जेस है, सिमिलर चार्जेस है, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, पुश करते हैं, एक दूसरे को पुश करते हैं, ईच अदर अवे, अवे पुश करते हैं, और इस प्रॉपर्टी को रिपल्शन कहा जाता है। वही अगर मैं अट्रैक्शन की बात करूं, जब दो रॉड के पास अपोजिट टाइप ऑफ चार्जेस है, ठीक है, अपोजिट है मतलब एक पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव है, तो अपोजिट टाइप ऑफ चार्जेस है तो वो एक दूसरे के पुल आते हैं, यानी करीब आते हैं, पुल टुगेदर टुवर्ड्स ईच अदर, टुवर्ड्स ईच अदर आ रहे मतलब एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, और इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है अट्रैक्शन। क्या कहा जाता है, अट्रैक्शन। तो ये डेफिनेशन वगैरह के पॉइंट में पूछा जाता है, व्हाट डू मीन बाय रिपल्शन, व्हाट डू मीन बाय अट्रैक्शन। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा। ओके, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो अगला टॉपिक है हमारा ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को समझ लिया, स्टैटिक चार्ज क्या होता है, किस तरीके से चार्ज किसी के अंदर आता है, कोई भी चीज को रब करो दूसरे के अंदर उसके अंदर एक चार्ज आ जाता है, लेकिन इसका ओरिजिन कहां से हुआ था ये भी समझने वाली बात है। ठीक है, तो देखो मेनली आपको पता है कि दुनिया में हर एक चीज, जैसे मैंने बोला कि एक पार्टिकल से बना हुआ है, एटम से बना हुआ है, और जो एटम्स होता है उसके अंदर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट होता है और साथ में नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट रहता है, और जनरल तौर पर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो रुका हुआ रहता है, स्टेशनरी होता है। जैसे हम आ गया कि आप 8 स्टैंडर्ड में एक चैप्टर है इनसाइड द एटम, ये चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो आपको रियलाइज होगा, तो उसमें बताया हुआ है कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है जो कि स्टेशनरी होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो उसके आउटर मोस्ट शेल में, यानी बाहर की तरफ वो घूमता रहता है, जैसे हमारा सोलर सिस्टम में पृथ्वी घूमता रहता है उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन्स मूवेबल है। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्टेशनरी है, निगेटिव चार्ज मूविंग है, और ये दो चार्जेस है ये एक दूसरे को ऐसा परफेक्टली बैलेंस कर देते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करता है, कैंसल आउट कर देता है, और इसीलिए जो भी एटम होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। हम बोलते हैं कि जो एटम है या फिर कोई भी एलिमेंट है वो क्या है, वो न्यूट्रल है भाई, उसके पास कोई चार्ज नहीं है, अनलेस अनटिल जब उसके ऊपर हम चार्ज ना दे, लेकिन वो एक्चुअल में न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है, क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है और निगेटिव चार्ज भी है, तो पॉजिटिव निगेटिव मिलकर एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसीलिए वो एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। तो एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, जैसे कि आपको पता ही है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अगेंस्ट में रब अगर करते हैं तो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो होता है अगर एक ऑब्जेक्ट पे है तो वो किसके पास जाएगा, अदर ऑब्जेक्ट पे जाएगा, और जैसे ही वो ऑब्जेक्ट का निगेटिव चार्ज पॉजिटिव ऑब्जेक्ट के ऊपर जाएगा तो वो निगेटिवली चार्ज क्या हो जाएगा, उसके ऊपर आ जाएगा। और सिमिलरली जो भी ऑब्जेक्ट निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स था उसके पास, वो अगर बाहर भेज देता या फिर गो अवे, इट बिकम्स पॉजिटिव चार्ज। मतलब मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है तो मैं अपना पॉजिटिव चार्ज किसी और को दे दूं तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, मेरे पास नेगेटिव है तो मैं किसी को नेगेटिव दे तो वो नेगेटिव बन जाएगा, इस प्रकार से चीजें चलती रहती है। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अगेंस्ट में रब करते हैं तो एक बन जाता है पॉजिटिव और दूसरा बन जाता है निगेटिव। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, जैसे ये मेरा हाथ है, ये मेरा मार्कर है, ये अगर मैं घस रहा हूं तो हो सकता है कि घसने के बाद कोई एक ऑब्जेक्ट का जो पॉजिटिव था वो पॉजिटिव बन जाएगा और एक ऑब्जेक्ट जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स उसके अंदर आ जाएंगे। तो यही चीज होता है आपका स्टैटिक चार्ज और वी कैन से द ओरिजिन। ठीक है, समझ में आया। चलो एक और टॉपिक देख लेते हैं। अभी जो टॉपिक है वो है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ये होता क्या है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, मतलब पहली बात तो वर्ड समझ लो, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण, हिंदी में उसको बोलते हैं घर्षण, और घर्षण का मतलब होता है रगड़ना। जैसे हम लोग चलते हैं तो हमारे चप्पल और रोड के बीच में घर्षण होता है, टायर घूमता है रोड के ऊपर। क्यों घूमता है, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन है। लेकिन अगर वही फ्रिक्शन को हटा दिया जाए, कोई चिकना चीज है तो हम फिसल जाते हैं। तो हम फिसले ना करके क्या करते हैं, हम लोग वहां पे
टायर्स में आप देखोगे तो ग्रूव्स बने होते हैं, टायर्स में से छोटे छोटे गैप्स होते हैं ताकि वो रोड को पकड़ के चल सके। हमारे चप्पल के पीछे भी आप देखोगे तो टेढ़े मेढ़े डिजाइन होते हैं, क्यों? क्योंकि वो रोड को पकड़ के चल सके, क्योंकि अगर सपाट रहेगा, एकदम प्लेन रहेगा तो हम तो फिसल जाएंगे। तो इसीलिए फ्रिक्शन होना जरूरी है, और फ्रिक्शन का मतलब घर्षण है, और दैट्स वाई ये जो टॉपिक है हमारा, ये फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इसलिए नाम है क्योंकि बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, बिकॉज ऑफ द रबिंग बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, एक इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेटेड बाय फ्रिक्शन, यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रिक्शन की वजह से, यानी घर्षण की वजह से अगर डेवलप हो रही है, कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज अगर जनरेट हो रहा है फ्रिक्शन की वजह से, तो उस इलेक्ट्रिसिटी को बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं दोस्तों? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। और ये जो चार्ज है, इट इज प्रोड्यूस ओनली एट द प्लेस ऑफ फ्रिक्शन। कहां पे प्रोड्यूस हो सकता है? जहां पे फ्रिक्शन होगा, जहां पे भी घर्षण, जहां पे भी रबिंग हो रहा होगा, वहीं सिर्फ डेवलप हो सकता है, कहीं और नहीं हो सकता। यह चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि स्टैटिक का मतलब होता है एक जगह पे मूव नहीं हो रहा है, वो एक ही जगह पे है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, अब क्या होता है, वो अपने ऑब्जेक्ट पे ही रिमेंस रहेगा, इट रिमेंस ऑन द ऑब्जेक्ट फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन, अपने शॉर्ट ड्यूरेशन तक रखता है। जैसे मान लो कि मैंने घर्षण किया, घर्षण करने के बाद यहाँ पे एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आ गया, लेकिन वो थोड़े टाइम तक रहेगा, और उसके बाद जब आप घर्षण करना छोड़ दोगे तो थोड़े टाइम के बाद उसके अंदर का जो चार्ज है वो भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो शॉर्ट ड्यूरेशन तक रहता है, और जो चार्जेस होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का, ये एब्जॉर्ब हो जाता है मॉइस्ट एयर में, यानी कि जो जहां पे मॉइस्चर होता है, जहां पे हवा में नमी होती है, वहां पे क्या हो जाता है? वो एब्जॉर्ब भी हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी काम करता है। अब फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है, जैसे वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज दिस, और भी कई सारे एक्सपेरिमेंट है जो कि हम अगले लेक्चर में बात कर लेंगे, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट ये है। इसमें क्या करने बोला है, एक बॉटल है, बॉटल के ऊपर एक स्ट्रॉ रखने बोल दिया है, तो सेम एक स्ट्रॉ यहाँ पे रखा है, एक स्ट्रॉ हाथ में पकड़ा है, सेम वही काम करना है, वो स्ट्रॉ को किसी ऑब्जेक्ट पे रब करके इस स्ट्रॉ के नजदीक लाना है। तो अगर इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों चिपक जाएंगे, और मान लो इसके पास भी पॉजिटिव था, इसके पास भी पॉजिटिव था, यानी सेम चीज के ऊपर रब किया हुआ था, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? घूमने लगेगा। तो इस प्रकार से आप बता सकते हो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ऐसे और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, हम पानी के नल के साथ कर सकते हैं, नल में से जो पानी निकलता है कंघी के साथ सकते हैं। There are so many other experiments जो हम उसकी बात करेंगे हमारे अगले लेक्चर में। तो मैं क्या करता हूं, आज का लेक्चर फिर क्या करता हूं, इसी के साथ एंड करता हूं, क्योंकि ये चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं। तो मैं चाहता हूं कि एक और लेक्चर बनाऊं जिसमें हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स की बात कर लें, और साथ ही में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे हमारा कंडक्शन है या फिर लाइटनिंग वाला टॉपिक है, ये सब चीज हम देखेंगे। तो एक और लेक्चर का वेट कर लेना इसका, ये आज पहला लेक्चर था, लेक्चर नंबर 2 भी आ जाएगा इस चैप्टर का, और ये चैप्टर हम लोग बहुत जल्दी कंप्लीट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, ये वीडियो इसी के साथ एंड होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से हमें कमेंट करके बताना, वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।